किसी भी फ्रेग्रेंस को परचेस करते वक्त हम यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सेंट क्वालिटी और लास्टिंग के साथ साथ वो एक सिग्नेचर सेंट बनाने लायक भी हो। जानेंगे एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में। वैसे अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रैग फैक्ट्स को, ताकि आप अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज़ को कभी मिस ना करें। जानेंगे कैसी है परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी लास्टिंग। सो बने रहिएगा मेरे साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू फ्रैग फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं मेसन अलहम्ब्रा की तरफ से आने वाले जीन लुई इमोर्टल फ्रेग्रेंस की, जो कि क्लोन माना जाता है लुई विटों के इमेंसिते परफ्यूम का, जो कि अभी 28 से 30,000 के बीच में सेल आउट होता है। वैसे मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो इसकी सेंट प्रोफाइल को मैच करती है। जानेंगे कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी लास्टिंग, बट पहले देख लेते हैं इसकी बॉटल एंड ओवरऑल बॉक्स के डिज़ाइन। देखिए, बात करें अगर आउटर पैकेजिंग मटेरियल की, तो आउटर बॉक्स पेपर मटेरियल में आता है। इन्होंने फ्रंट में जीन लुई इमोर्टल मेसन अलहम्ब्रा का लोगो EDP एंड 100 ml फॉर्मुलेशन मेंशन किया है। वहीं अगर हम बैक में देखें तो इन्होंने 3D लोगो फॉर ऑथेंटिक रिलीज वेरिफिकेशन के लिए दिया है, और उसी के जस्ट नीचे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हैं जो इस परफ्यूम के क्रिएशन में यूज़ हुए हैं। वहीं बॉटम साइड में इन्होंने बैच कोड एंड वेबसाइट भी मेंशन की है। देखिए, इसी बॉक्स के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप कार्डबोर्ड मटेरियल बॉक्स भी आता है, और मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन है। वहीं इन्होंने इसी बॉक्स में जो फ्रंट में जो डिटेल्स मेंशन की है वो सेम एज इट इज़ है जो आउटर पैकेजिंग मटेरियल में थी। देखिए, अगर हम बात करें अगर बॉटल के आउटर डिज़ाइन की, तो बॉटल हैवी साइड पे तो ऑब्वियसली है। फ्रंट में इन्होंने जीन लुई इमोर्टल एंड मेसन अलहम्ब्रा का लोगो इम्प्रिंट किया है। कैप देखें तो कैप एक मैग्नेटिक फॉर्म में आती है। कैप वैसे बॉटल को होल्ड तो नहीं कर पाती, बट सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड विद दी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स डिज़ाइन। और अगर हम बात करें एटमाइजर की, तो एटमाइजर भी काफ़ी अच्छा डिसेंट मिस थ्रो करता है। देखिए, बात करेंगे इस फ्रेग्रेंस के नोट्स के ब्रेकडाउन की, तो साइड स्क्रीन पर आप इसके नोट्स के ब्रेकडाउन को देख सकते हैं। देखिए, वैसे मैंने इस फ्रेग्रेंस को अपने हाथ पर भी स्प्रे किया हुआ है। भाई साहब, एकदम फाड़ स्मेल करता है ये। मैं कहूँगा आपको जो जिंजर का नोट है वो इसके ओपनिंग में काफ़ी प्रोमिनेंटली फील होगा, जो एक स्पाइसी टोन ये ऐड करता है जिंजर के वजह से। और अपने 30 से 35 मिनट का जो इनिशियल नोट है, जिस तरीके से इन्होंने इसको टेस्ट किया है जिंजर के नोट को विद सिट्रस एलिमेंट लाइक ग्रेप फ्रूट एंड बर्गमो, वो इसमें एक सिट्रस के साथ एक माइल्ड स्वीट ओपनिंग देता है और आपको ये एज अ फ्रेशी फील होगा। देखिए, वहीं इसके बैकग्राउंड में आपको एक ग्रीन एलिमेंट ड्यू टू रोजमेरी भी फील होगा, बट वो काफ़ी बैकग्राउंड में रहता है और अपने मिडल नोट के ट्रांजिशन में काफ़ी प्रोमिनेंटली उभर कर आता है, जो कि मिक्स होता है और ब्लेंड होता है विद सेज एंड जर्मेनियम के नोट के साथ, जो कि इनिशियल नोट में जो सिट्रसी वाइब थी वो यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। जो स्पाइसी टोन थी वो जर्मेनियम की वजह से यहाँ पर भी फ्लो करती है। वहीं देखें, इन्होंने अपने बेस नोट में एक एम्ब्रोक्सन एलिमेंट का नोट स्पेसिफाई किया है, जो कि इसमें एक मेटेलिक वॉटरी टोन को एड ऑन करता है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो वाइब है मेटेलिक वॉटरी की, ये इनके इनिशियल नोट से फील होती है और इनके बेस नोट तक वो कंटिन्यू फ्लो करती है। वहीं ये जो वॉटरी जो मेटेलिक नोट है वो मिक्स होता है विद लैबडेनम एंड एम्बर के साथ। देखिए, जो लैबडेनम है वो इसमें एक स्वीट वुडी एक ग्रीन टोन को यहाँ भी कैरी ऑन करता है, और एक एम्बर की वजह से एक ये स्वीट माइल्ड स्वीट टाइप ऑफ ट्रांजिशन में जाता है और काफ़ी सूदिंग और सिट्रस एलिमेंट को कंटिन्यू रख के उसको बांध कर रखता है। देखिए, मैं कहूँगा ये एक ओवरऑल एक एम्बर बेस्ड स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, और मेरे को इस फ्रेग्रेंस को लगाना काफ़ी पसंद है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि मेरी ये सेकंड बॉटल है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ये स्मेल करता होगा। देखिए, बात करें अगर इस फ्रेग्रेंस के प्राइस पॉइंट की, तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1600 से 1900 रुपीस के बीच में मिल जाएगी। और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेस करना चाहते हैं, तो मैंने सेलर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप इसे वहां से वाया कॉल और व्हाट्सएप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस फ्रेग्रेंस की वेरिएबिलिटी की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये हाईली वर्सेटाइल और मैं कहूँगा फीमेल ऑडियंस को भी पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। अगर किसी को एक स्पाइसी बेस्ड फ्रेग्रेंस को वेयर करना अच्छा लगता है, तो ये उनको काफ़ी पसंद आने वाला है। देखिए, वैसे तो ये एक स्प्रिंग और समर स्मेल वेयर करने के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि वहाँ उस वेदर में ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, बट मुझे इसे किसी भी वेदर किसी भी ओकेजन में लगाना काफ़ी पसंद है। देखिए, बात करें अगर एक सिमिलर सेंट प्रोफाइल के एक फ्रेग्रेंस की, तो अगर आपको अफनान के तुराती ब्लू या अफनान के थ्योरम वाली सेंट प्रोफाइल को वेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा कि आपको ये फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आने वाली है। देखिए, पर्सनली अगर मुझे बिटवीन दोज टू एंड बिटवीन दिस इमोर्टल अगर एक पिक करना हो, तो मैं हमेशा इमोर्टल को ही पिक करूँगा। देखिए, रीज़न बीइंग कि जिस तरीके से एक मेटेलिक नोट जो एक थ्योरम और तुराती ब्लू में है, वो मुझे एक प्लेन ब्लेंड लगता है। उसके ट्रांजिशन में मुझे कोई एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट एड ऑन नहीं फील होता,
बट यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से उस जिंजर के नोट को मिक्स किया है सिट्रस एलिमेंट के साथ, मैं कहूँगा ये एक काफ़ी अपीलिंग और एक कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है। देखिए अगर हम बात करें इस फ्रेग्रेंस के परफॉर्मेंस पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फ्रेग्रेंस को जज करने के लिए, तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन ईजिली इसकी 6 से 7 घंटे की है। कपड़ों पर ये 8 से 9 घंटे तक टिकता है। बात करें अगर प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसका 1.5-2 घंटे का मैक्स प्रोजेक्शन है, बट अपने इनिशियल फर्स्ट आर में आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है। इसके सियाज की अगर हम बात करें तो सियाज इसका डेंस एंड मॉडरेट साइड पर है। देखिए इस परफॉर्मेंस फैक्टर को मैंने और डिटेल में समझने के लिए इसको मैंने डिवाइड किया है विद इन 3 फैक्टर्स और रैंक किया है आउट ऑफ 30, जो कि है प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी। सो प्रोजेक्शन में इसको मिलते हैं 7.5, लॉन्जिविटी में इसको मिलते हैं 7.5, कॉम्प्लीमेंट्स में इसको मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन मेसन अलहम्ब्रा की इमोर्टल फ्रेग्रेंस का। अगर आप भी एक स्पाइसी एम्ब्री बेस्ड फ्रेग्रेंस को परचेस करना चाह रहे हैं, और अगर आप ऐसी फ्रेग्रेंस के तलाश में हैं जो आप एक सिग्नेचर सेंट भी बना सकें, तो आई थिंक ये एक बेस्ट पिक रहेगा। जिस तरीके से ये एक वर्सेटैलिटी एक ये लेके चलता है, जिस तरीके से इसका ब्लेंड है, मैं कहूँगा ये हर किसी को पसंद आएगा। देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, तो आप अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यूज़ को कभी मिस नहीं करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलूंगा जल्द आपसे एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।